हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर फोर्थ, प्लांट्स। ओके, प्लांट्स ये क्लास फोर्थ की बुक है और आज हम क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर फोर पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर फोर है, इसका नाम है प्लांट्स। लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव ए लाइफ इन दैम। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग हैव लाइफ इन दे आर लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव ए नो लाइफ इन दैम। फॉर एग्जाम्पल, टूथब्रश एंड इलेक्ट्रिक आयरन एंड लो नॉन लिविंग थिंग्स। येट दे आर मैनी कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव ए वेट एंड स्पेस। लिविंग थिंग्स जो होती है, जैसे ह्यूमन बींग और एनिमल, जिनमें जान होती है वो लिविंग थिंग्स कहलाती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान चीज़ें होती है, जैसे टूथब्रश, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि इनमें कोई जान नहीं होती है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है। देयर आर ओवर 270,000 काइंड ऑफ प्लांट अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर टीनी विच आर टू स्मॉल टू बी सीन एंड देयर जेंट्री विच आर द लार्जेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। ए प्लांट इज ए मेनली डिवाइड इंटू टू, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। दुनिया में लगभग 270,000 के लगभग तरह तरह की प्रजातियों के पौधे और पेड़ दुनिया में है। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ हमें देखने में बड़े दिखाई देते हैं। मेनली प्लांट जो होता है वह दो भागों में डिवाइड होता है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। द रूट ऑफ प्लांट मे बी लॉन्ग एंड थिक और बुशी एंड फाइबर्स और इट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड इज पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉट ग्रीन इन द रूट। हेल्प टू फिक्स द प्लांट टू द सोइल। इट हेल्प द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। इट स्टोर एक्स्ट्रा फूड मटेरियल फॉर द प्लांट। जो रूट ऑफ प्लांट होता है वह लॉन्ग और थिक होता है और वह बुशेज और फाइबरेज होता है और ये ग्राउंड के अंदर पाया जाता है। जैसे कि ये रूट का हमें पिक दिया हुआ है, ये रूट की पिक है, ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर होती है। जो रूट्स होती है पौधों की, ज़मीन के अंदर होती है, यहीं से वे अपना खाना पानी सब एब्जॉर्व करते हैं और अपने आप को बढ़ाने में हेल्प लेते हैं। द शूट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टीम ब्रांच लीव फ्रूट्स एंड फ्लावर। द शूट ऑफ प्लांट जो होते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वह शूट ऑफ प्लांट कहलाता है। जैसे यहाँ लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सब कुछ है, ये शूट ऑफ प्लांट कहलाता है। ओके, व्हेन यू लुक एट प्लांट द फर्स्ट थिंग यू नोटिस आर इट्स लीव्स। टेक ए लीफ एंड लुक इट अगेंस्ट ए लाइट, यू विल सी ए नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स और वेनीज। अब एक पत्ता लीजिए और आप देखिए कि ये पहला भाग होता है जो पौधे के अंदर आता है या प्लांट के अंदर आता है। तो आप इसको लेइए और आप इसको लाइट के सामने रखिए तो आप देखेंगे इसके अंदर पतली पतली बहुत सारी वेनीज यानी नसें होती है। ये देखिए इस तरह से पौधे के अंदर, पौधे की जो पत्ती होती है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसे छोटी छोटी नसें होती है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंट इन द लीव्स। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड अदर न्यूट्रिशंस टू प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज दिस फूड टू लीव एंड ग्रो। ह्यूमन बींग ऑल्सो ईट दैट फूड, दैट इज वाई टू लीव प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स टेक इन ए गिव आउट एयर थ्रू टीनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। क्लोरोफिल जो होता है वह पत्तियों का जो ग्रीन पन होता है उसे वो क्लोरोफिल कहलाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल अदर न्यूट्रिशंस को प्रिपेयर करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, तो ये प्रक्रिया पौधों की फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्लांट जो होते हैं यूज दिस फूड लीव एंड ग्रो। प्लांट्स इसको लेते हैं और मतलब लाइव एंड ग्रो फूड को लेते हैं और फिर लाइव और ग्रो करते हैं। ह्यूमन बींग जो होता है वह भी इन पौधों से को खाता है, जैसे कि इनमें जो फल फूल जो भी उगते हैं हम उन्हें खाते हैं और जो जानवर होते हैं वह भी इनको खाते हैं। तो हमने अभी देखा है कि मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। द फ्लावर इज़ अ मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। सम फ्लावर्स इवन गिव ऑफ ए स्वीट फ्रेग्रेंस। ए फ्लावर इज़ ए फोर मेन पार्ट्स
ओके, ये फ्लावर्स के मेन फोर पार्ट्स होते हैं और प्लांट का सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। कुछ पौधों में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, कुछ फूलों में। ए फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज़ मेन फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस सीड। फ्लावर अपीयर इज बर्ड्स, द बर्ड्स चेंज इन टू फ्लावर। फ्लावर चेंज इन टू फ्रूट विच कंटेन सीड। सीड इज ए प्रोटेक्ट इन साइड फ्रूट। अ सीड कंटेन द बेबी प्लांट। When a seeds gets the right amount of water, air, temperature and soil is grow into a teeny plant. Okay? अब फूल जो होता है, फूल के अंदर हम देखते हैं छोटे छोटे बीज होते हैं। इन्हीं बीजों को हम उगाते हैं और फिर इन्हीं बीजों से एक छोटा पौधा उगता है और वो पौधा बड़ा होता है और उसमें पत्तियां आती है और फिर वही पत्तियों में वापस फूल खिलते हैं और उन्हीं फूलों में वापस बीज होते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है और छोटे छोटे प्लांट्स इनसे उगते। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट ब्रेथ, फीड, ग्रो एंड रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे लिविंग थिंग्स होती है वैसे ही पौधे भी सांस लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। दे कैन ऑल्सो मेक सर्टन मूवमेंट आर देयर सेंसिटिव सर्टन स्टिंग। व्हाट सेट प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम एनिमल इज द फैक्ट दे मेक ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सिंस दे मेक देयर ऑन फूड, दे डू नॉट नीड टू मूव अराउंड लाइक एनिमल टू सर्च ऑफ फूड। वे भोजन के तलाश में पौधे इधर उधर नहीं भटकते बल्कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट्स नीड थ्री थिंग्स टू मेक देम ग्रो। प्लांट्स को तीन चीज़ें ग्रो होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, सूरज की रोशनी, हवा और पानी। और प्लांट यूजुअली ग्रो अप, रूट्स ग्रो डाउन। दे कैन सेंस वे अप एंड विच इज़ डाउन, दैट अ रूट एंड ग्रो डाउन, सोइल स्ट्रीम ग्रो टूवर्ड्स द लाइट। यू नो दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दे मेक सराउंडिंग ब्यूटीफुल, दे क्लीन एयर, ब्रेथ द रूट प्लांट, द सोइल स्टॉप फ्रॉम वॉशिंग अवे द फ्लूड्स। हम देखते हैं कि पौधे हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये हमारे वातावरण को कितना खूबसूरत बनाते हैं, कितना सुंदर बनाते हैं। हम इसी से सांस लेते हैं, खुली हवा में घूमते हैं, हमारा पोल्यूशन जो होता है वो इसी से एब्जॉर्ब होता है। और प्लांट से ही, पौधों से ही बारिश होती है, पौधे से ही हमारी मेडिसिन बनती है, हमारा पेपर बनता है, हमारा वुड यानी लकड़ी मिलती है, हमें खाने को भोजन मिलता है, परफ्यूम एंड ऑल फ्रॉम फ्लावर्स से। और परफ्यूम्स वगैरह ये भी हमें सोइल्स और फ्लावर्स से ही प्राप्त होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड टू डेकोरेशन आल्सो ऑफर प्रेयर विद फ्रेंड ग्लेंस बकेट ऑफ फ्लावर्स स्पेशल ओकेजन। हम देखते हैं स्पेशल ओकेजन पे लोग एक दूसरे को बुके देते हैं, तो ये बुके भी फ्लावर्स से ही बनाए जाते हैं डेकोरेशन के लिए। अब सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन प्लांट। इफ दे आर नो प्लांट्स देयर विल बी लाइफ ऑन अर्थ। अगर पौधे नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन नहीं है। प्लांट्स डू नॉट बिलोंग टू एनी वन। प्लांट्स गिव ब्लेड फ्रूट ऑल एनिमल बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। वी शुड नॉट अलाउ एनी वन टू डॉप डाउन ट्री दे ग्रोविंग बाय द रोड साइड। हमें लोगों को संदेश देना चाहिए कि पौधों को कम से कम काटें और उन्हें और उगाने में हमारी मदद करें, ताकि हमारा जो होता है हमारा ही भोजन पौधों पर डिपेंड नहीं है, बल्कि एनिमल्स भी इससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पौधे जो चीज़ वेस्ट मटेरियल होता है खाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो पेड़ और पौधे और एनिमल दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भागों में से, कि हम इसी पर डिपेंड रहते हैं और इसी से अपना भोजन बनाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये हमारे टिक द राइट आंसर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, द प्लांट इज मेनली डिवाइड इन टू बोथ ए एंड बी। फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड टू डी ऑल ऑफ दिस। लीव गिव आउट ऑफ एयर थ्रू टीनी पोर्स। स्टोमेटा प्लांट हेल्प इन ब्रिंगिंग ऑल रेन। द ग्रीन पिगमेंट लीव इज क्लोरोफिल। द प्लांट गिव अस ऑल ऑफ दिस। ये देखिए मैंने टिक द राइट आंसर यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ सबके आंसर्स। आप इनको नोटबुक में अपनी ये क्वेश्चन आंसर करें। ये सारे टिक द राइट आंसर हैं, इनके आगे मार्क किया हुआ है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए रूट एंड शूट सिस्टम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखे हमने मार्क किया हुआ है, हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे। द रूट ऑफ ए प्लांट मे बी लॉन्ग थिक बुशी एंड फाइबर्स। इट ग्रो अंडर द ग्राउंड। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्लांट। ये तो हमारे रूट का आंसर हुआ। शूट का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, द शूट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्टीम ब्रांच लीव फ्रूट लाइक फ्लावर। इट ग्रो अबाउ द ग्राउंड। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट इज़ क्लोरोफिल। तो इसका आंसर ये है, क्लोरोफिल
क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंस इन द लीव्स। क्लोरोफिल क्या होता है, हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंस इज द लीव। लीव्स तक हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, क्लोरोफिल से हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट है और लीव्स तक हमें लिखना है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, ये देखिए, ग्रीन प्लांट यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड अदर न्यूट्रिशन टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ ग्रीन से लिखना है, फोटोसिंथेसिस से लिखना है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज ए सीड्स चेंज टू ए बेबी प्लांट, एक छोटा सा बीज बेबी प्लांट में कैसे बदलता है। तो इसका यह है कि व्हेन ए सीड्स गेट्स ए राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, टेम्परेचर, सॉरी ग्रो इनटू ए टीनी यानी बेबी प्लांट। व्हेन से लेकर प्लांट तक हम चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है व्हेन से लेकर प्लांट तक। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज प्लांट नीड टू ग्रो, पौधों को बढ़ने के लिए किस चीज़ की जरूरत है। प्लांट्स नीड थ्री थिंग्स टू मेक देम ग्रो, सन, एयर एंड वाटर। सन, एयर एंड वाटर, प्लांट नीड थ्री थिंग्स टू मेक देम ग्रो, सन, एयर और वाटर। ओके, ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। व्हाट आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के चार मेन पार्ट कौन से हैं, ये हमने यहाँ लिखे हैं, फ्रूट, सीड्स, फ्लावर, लीव। आप ये भी लिख सकते हैं और आपको पीछे हमने ये दिए हैं फोर मेन पार्ट्स, आप ये भी लिख सकते हैं, कार्पल, पिटल, सिपल एंड स्टमर। ये द फोर पार्ट ऑफ ए प्लांट आर, आप ये फोर पार्ट भी लिख सकते हैं और आप वो वाले फोर पार्ट भी लिख सकते हैं, आप कोई भी चार प्लांट्स में फोर पार्ट लिख सकते हैं। हु इज स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, द लीव्स टेक एंड गिव आउट एयर थ्रू टीनी पोर्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। लीव से लिखना स्टार्ट करेंगे, स्टोमेटा तक लिखेंगे, ये हमारे सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक से जो हमने किए हुए हैं, हमारे फर्स्ट वाले में हमने क्लोरोफिल लिखा है, दूसरे में फोटोसिंथेसिस है, तीसरे में स्टोमेटा है, चौथे में प्लांट्स के चारों पार्ट लिखे हैं, उसके बाद मैटर है, उसके बाद रूट और शूट है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको इसी तरह से ये अपनी नोटबुक में करने हैं, ये फिल इन द ब्लैंक है। ओके, ये इसके राइट रॉन्ग है, जिसमें से पहला मैंने किया है शूट ग्रो अंडर द ग्राउंड, तो ये नहीं रॉन्ग है, और बाकी के राइट और रॉन्ग आप खुद करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर समझाया है, तो अब ये कोई मुश्किल नहीं है आपको नोटबुक में राइट रॉन्ग करना। तो मैं आई होप के होल स्टूडेंट कम्प्लीट द वर्क, BM इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब मैं आपको बता रही हूँ ये माइंड मैप है, ये आपका आज का वर्क है और आपको कल का वर्क भी साथ दे रही हूँ। माइंड मैप आपको बनाना है, आपको इसी तरह की प्लांट्स की एक पिक्चर पेस्ट करनी है, उसके नाम लिखने और नीचे इसी तरह से खूबसूरत सा अपनी ही अपनी जो EVS की नोट होगी उसी की नोट के एक पेज पे आप ये पूरा माइंड में बनाएंगे, प्लांट्स की फ़ोटो बनाएंगे, इसके सारे पार्ट्स लिखेंगे, तो आप पूरा फ़ोटो लगा के फिर इसको लिखेंगे। ओके, थैंक यू।